तो यार अभी हम जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने और सूरज फुल ऑन तेज़ है और अभी ऐसे अजीब मौसम है अभिषेक का कि 2-3 घंटे बाद ना यहाँ फुल ऑन बादल आ जाने हैं और अभी जब हम पैदल जा रहे हैं तो फुल ऑन धूप है और बस अभी जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं सेंट्रल मॉस्क करके हमारी बैक साइड पर है और पैदल ही आज हम जा रहे हैं क्योंकि सेंट्रल मॉस्क थोड़ी पास है और वहाँ से फिर हम 7:30 जाएंगे 2 बजे क्लास भी है। बस यही सही है। तो जुमा वगैरह हो गया है, अब चलते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जाने जाते हैं और मैंने जैसे आपको इसको देखा और जैसे मैंने आपको बताया था कि मौसम अंतर्यामी हो गया हैं यूनिवर्सिटी और बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। अब देखते हैं क्या करना है, मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट लेट हैं हम और ऊपर से क्लास भी है 9th फ्लोर पे तो बस लिफ्ट चढ़ रही हो दैट वुड बी गुड बट देखते हैं। तो हम 4th फ्लोर पे पहुँच गए, देखते हैं लिफ्ट चल रही है कि नहीं। यार लिफ्ट नहीं चल रही, हम 9th फ्लोर ऊपर जाना पड़ रहा है, चलते हैं क्योंकि जाना तो है ना, अभी लेट है। और ये मौसम चेक करो यार, कितना ही प्यारा मौसम हुआ है भाई। आ गए हम 9th फ्लोर पे, अब देखते हैं सारे एंटर होने देते हैं कि नहीं, लेट्स सी। तो क्लास वगैरह हो गया था, सर ने फाइनली चुका है एंटर होने दिया था। खैर अभी एक और क्लास है और उसमें भी घंटा है तो एक काम है वो मैं नीचे जाके आपको बताता हूँ क्या है, वो करें, वो ही बहुत ज़रूरी है। अभी हम आए हैं एक रूम में, यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह लिखी है, एक जो हम पाकिस्तान में थे ना तो उसके पंगे अभी तक चल रहे हैं, वो क्लासेस मिस हैं तो रोला है। थोड़ी देर बाद आपको सारा बताता हूँ, अभी एप्लीकेशन लिखी है और मॉड्यूल भी है तो वो भी देना है तो थोड़ी जल्दी है, बाद में आपको सारी स्टोरी से कनेक्ट करवाते हैं। तो ये एप्लीकेशन वगैरह हमने लिखी है, अब बस जाना है डीन के पास, वो जाऊँगा पहले मॉड्यूल देंगे और उसके बाद हम जाएंगे डीन के पास परमिशन लेने के लिए। ये पता किस चीज़ के लिए है, ये है कि हम पाकिस्तान गए थे, एक हमारा वीज़ा का इशू था, हम पाकिस्तान से आते थे पा रहे, मतलब फ्लाइट से आते तो बार बार डिले हो रही थी क्योंकि वीज़ा नहीं था आ रहा, तो उस वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस स्किप हो गई थी। न्यूरोलॉजी तो मेरी पूरी स्किप थी, तो वो टीचर्स कह रहे हैं कि आपको डीन से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आपने एक्टिविटीज़ वगैरह क्लियर करनी है तो वो डीन से परमिशन लेंगे, स्क्रब का वगैरह बनवाएंगे तो एक्टिविटीज़ वगैरह क्लियर करेंगे, बाकी सारा इजी सीन है, बस ये हो जाए, बाकी तो सारा आता है, मैंने सारा कट्टा शट्टा मारा हुआ है। अभी चलते हैं। अब हमारी क्लास है 3rd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे चलते हैं और मॉड्यूल वगैरह लिख देते हैं, बस वही सीन है, उसके बाद हम फ्री हैं और मौसम बड़ा अच्छा हुआ है भाई। तो यार उसके बाद हम आ गए थे फ्लैट और मॉड्यूल वगैरह बड़ा गुड हो गया था, तो बाकी सारा सीन फिट है। और उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि हमारा वो हमने एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करानी है, वो उन्होंने कहा था कि आज हमारा वो डे नहीं है क्योंकि आज फ्राइडे था, उन्होंने कहा था मंडे को हम हो जाएगा, इतना इशू नहीं है, तो अब मंडे को जाएंगे वो वगैरह, वो सारे काम वगैरह भी करवाएंगे और बस यही है। और यही आज के दिन में हुआ था इससे ज़्यादा, और एक बात करते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी हम आ गए फ्लैट पे चल के, आपको एक बात बताते हैं, मतलब जो हमने 30 डेज़ जो किया वो करते हैं बात उसके बारे में। तो 30 दिन हमने डेली व्लॉग किया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया था कि मैं मतलब जो बंदा मतलब महीने में एक वीडियो डालता है वो 30 दिन इकट्ठे वीडियो डालेगा। थोड़ा रमज़ान में जो था, रमज़ान के बाद थोड़ा मुश्किल हो गया और वो थोड़ा मुझे ड्यूटी टाइप भी लगना शुरू हो गया। रमज़ान में मज़ा आ रहा था डेली करने का, पर उसके बाद जब रमज़ान ख़त्म हुआ उसके बाद व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल था, तो बस पर हमने किया 30 डेज़ का, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था, वो मैंने पूरा किया। और खैर अभी भी लोग कहते हैं कि मतलब कंटिन्यू रखो, पर वो कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है, पर अब मैं ट्राई करूँगा कि मतलब जितने फ्रिक्वेंट हो सका हम व्लॉग बनाऊँ, मतलब मैक्सिमम भी गैप अगर आए 2 से 3 दिन का है, 3 दिन से ज़्यादा गैप ना आए वीडियोज़ में। तो बस ये थी फिर आज की वीडियो, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।